रविवार रात्रि के समय चंडीगढ़ स्थित 32 अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड के साथ मरीज के रिश्तेदारों ने मारपीट कर उसे अधमरा कर दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया और वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है हमलावर राम दरबार से आए थे। पुलिस ने घटना में 10 गुनहगारों को गिरफ्तार कर मृत्यु की धारा 302 लगाई है। चलिए दिखाते हैं इस घटना पर अस्पताल एक्शन कमेटी के प्रधान सुखबीर सिंह क्या कहते हैं। मेरा नाम सुखबीर सिंह है, मैं जीएमसी ज्वाइंट एक्शन कमेटी का प्रधान हूँ। ये जो रात की घटना घटी है, ये हमारे यहाँ सुरक्षा कर्मचारी श्याम सुंदर नाइट ड्यूटी पे मौजूद था इमरजेंसी एरिया में, जिस नाइट ड्यूटी हमारी 11 बजे शुरू होती है। नाइट ड्यूटी के दौरान कुछ बंदे राम दरबार के बताए जा रहे हैं जी, 15-16 बंदे इकट्ठे होके आए इमरजेंसी एरिया में, जहाँ पे बिल्कुल हमें हदायतें मिली हुई हैं कि यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं होने देना। तो उसको देखते हुए हमारे बंदों ने वहाँ पे इनको बोला कि आप एक एक करके पेशेंट से मिलो, लेकिन वो बंदे शायद कोई नशा कर रखा था ही, नशे की हालत में उन्होंने इतना बोलने पर ही हमारे बंदे पे अटैक कर दिया ही। 15-16 बंदे हमारे बंदों को पीटना शुरू कर दिया ही। उस पिटाई में ही हमारे ये जो गार्ड की डेथ हुई है रात, श्याम सुंदर जी, जिनको पता नहीं गुम चोट कहाँ पर मारी है ही, वो पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा, लेकिन उनकी डेथ हो चुकी है। जिसके बारे में आज हमारे समस्त सुरक्षा कर्मचारी यहाँ पे इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होने के बाद हमने मांग रखी कि जो ये घटना वापरी है, सबसे पहले तो इसके जो गुनाहगार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जिसमें अभी तक हमें पुलिस की जो भी कार्रवाई की है उस पर पूरा विश्वास है कि वो इसमें पूरी ईमानदारी से कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। पुलिस ने हमें बताया जैसे कि 8-10 बंदों को उन्होंने राउंड अप कर लिया है, और 4 बंदों को हमने मौके पर ही पकड़ लिया था, कुछ बंदे फरार हो गए थे, तो पुलिस ने बताया कि उनको भी राउंड अप किया जा चुका है। तो हमने मैनेजमेंट से भी यही मांग रखी है कि जो ये हमारा साथी श्याम सुंदर जो ड्यूटी के दौरान जिसकी डेथ हुई है, उसको उसका बनता हक दिया जाए, उसकी फैमिली मेंबर को नौकरी दी जाए, क्योंकि वो घर में कमाने वाला अकेला ही था। तो हमारी आज इसी मुद्दे को लेकर डायरेक्टर प्रिंसिपल साहब से मीटिंग हुई है। डायरेक्टर प्रिंसिपल साहब ने हमें आश्वासन दिलाया है कि इसके फैमिली मेंबर की जो भी क्वालिफिकेशन के आधार पर जो भी नौकरी बनती होगी हम उनको देंगे, और जितनी भी हमसे मदद की जाएगी मैनेजमेंट उनके साथ है, पूरी मदद की जाएगी। जिसके बाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने डायरेक्टर प्रिंसिपल साहब का धन्यवाद भी किया कि इतनी सपोर्ट डायरेक्टर प्रिंसिपल साहब ने विश्वास दिलाया कि हम करेंगे। और ज्वाइंट एक्शन कमेटी जिसमें हमारी हॉस्पिटल की सभी यूनियन, सफाई कर्मचारी, अटेंडेंट, नर्सिंग यूनियन, हमारे जो पब्लिक हेल्थ के वर्कर हैं, लिफ्ट ऑपरेटर, सभी प्रधान मौके पे मौजूद थे, और उन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की है, और उन्होंने भी यही बताया कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती तो हम आने वाले टाइम में यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर वर्कर की सेफ्टी नहीं होगी तो वर्कर यहाँ काम कैसे करेगा, और सिक्योरिटी जो सबको सिक्योर करती है, अगर वो ही सिक्योर नहीं होंगे तो वो बाकी को कैसे सिक्योर करेंगे। तो इस पे डायरेक्टर प्रिंसिपल साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिलाया कि हम आने वाले टाइम में इस पे एक मीटिंग बुला के मैनेजमेंट की फैसला लेंगे कि ऐसे जो वाक्य होते हैं उनको कैसे रोका जाए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।